السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إن اشتكى عضوا منه اشتكى كله بالسهر والحمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا بزرگان محترم و نوجوانان اسلام الحمد لله پچھلے چند جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عنوان چل رہا ہے جس کا آغاز میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے ہوا ہے چونکہ آج امت ایک بہت ہی کربناک دردناک خوفناک اور اذیتناک حالات سے گزر رہی ہے آج فلسطین کے کیا بوڑھے کیا جوان کیا بڑے معصوم اور دودھ پیتے بچے بھی خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں چنانچہ آج میں سیرت کی اس ان تفصیلات سے ہٹ کر فلسطین کے حالات پر اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر سن کر جان کر ہمارے اسلامی ممالک بالخصوص عرب حکمرانوں کی بے حسی اور بے غیرتی پر اور ان کی مجرمانہ خاموشی پر بیت المقدس مسجد اقصی اور وہاں کے حالات پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے پھر سیرت النبی کا وہ سلسلہ چلے گا
ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक शोबा और अहम हिस्सा और जुज़ है कि मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ज़ालिमों को ज़ुल्म से रोकने के लिए, कमज़ोरों और मज़लूमों को ज़ालिमों के खूनी पंजों से बचाने और उनको आज़ाद करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और आपकी बेइज्जत का एक अहम मकसद ग़ुलामों को उनकी पस्तियों से निकाल कर बुलंदियों पर पहुंचाना था। तड़पते सिसकते दम तोड़ते मज़लूमों को ज़ालिमों के खूनखार पंजों से आज़ाद करवा कर अमन व अमान की इमारतों में उनको बिठाना था। इसका एक ख़ास सबूत, इसकी दलील और अलामत इससे बढ़कर क्या होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से, आपकी तशरीफ़ आवरी की बरकत से। वो बिलाल हबशी जिसको मक्के की गलियों में, पथरीली वादियों में और नोकदार पहाड़ियों पर से गले में पंधा डालकर घसीटा जाता था, जिस बिलाल हबशी को नंगा करके तपती हुई रेत पर उनको लिटाया जाता था और उनकी नंगी पीठ और पुश्त पर कोड़े बरसाए जाते थे, खून के कतरे गिरने लगते और खून के फवारे जारी हो जाते, लेकिन बिलाल हबशी के ज़ुबान अक़दस पर निकलने वाली सदा अहद अहद की वो सदाएं रुकती नहीं थी। कलिमे तौहीद के इजहार का वो सिलसिला दम नहीं तोड़ता था। ऐसे मज़लूम ग़ुलाम को आपने ज़ालिम आकाओं के खूनखार पंजों से, उनके मजालिम से आपको आज़ाद करवा कर ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया। मेराज के सफ़र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते हैं, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर आँखों से आंसू निकल पड़े। पूछने लगे, बिलाल तू क्या करता है, आखिर तेरी ऐसी कौन सी नेकी है। अल्लाह की कसम तुझे मैंने जन्नतुल फिरदौस में मुझसे आगे आगे चलता देखा है। बिलाल तेरी ऐसी कौन सी नेकी है, मैं तेरे जूतों की आवाज़ जन्नतुल फिरदौस में सुनता, मुझे तेरे कदमों की आहट सुनाई देती है। मेरे और आपके आका ने मज़लूमों को और कमज़ोरों को, बेबसों को वो मकाम अता किया कि वो सातों आसमानों की बुलंदी को पार करके जन्नतुल फिरदौस के मकाम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हैरत है, अफसोस है आज के उन जाहिल हुक्मरानों पर, आज के उन बेहिस अरब हुक्मरानों पर, आज के उन गूंगे और बहरे सब कुछ जानते हुए, हक को पहचानते हुए, मज़लूमों के खून को बहता हुआ देखते हुए, जिनके कानों पर जूं नहीं रेंगती, जो अपनी
गफलत की नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं। आज उसी नबी की उम्मत को आज शहीद किया जा रहा है और उनके जिस्म के टुकड़े मुंतशिर हो रहे हैं। आज फलस्तीन का हर बच्चा खाक व खून में तड़पते तड़पते दम तोड़ रहा है, लेकिन इन बेगीरतों को इसका कोई एहसास नहीं। इन जाहिल और जालिम हुक्मरानों को, इन मगरबी ताकतों और उनके तलवों को चाटने वाले इन चापलूसों को, इन बेहिस्सों को, इन बच्चों के खून का, इनकी तबाही और बर्बादी का कोई एहसास नहीं। क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा की इनको कोई फिक्र नहीं, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, सबका क़िबला वही था। अल्लाह ने जिसे अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना करार दिया, जिसके अतराफ और अकनाफ में अल्लाह ने बरकतों का नुजूल फरमाया, जहाँ पर अल्लाह ने बेशुमार मोजिज़ात को ज़ाहिर फरमाए, जिस मस्जिद की तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगरानी में हुई, जिसके क़िबले में, जिसके मिंबर व मेहराब पर खड़े होकर इब्राहीम ने इमामत की और खुतबा दिया, जिस मस्जिद अक्सा के मुसल्ले पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और 1,24,000 से ज़ायद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुकद्दस तरीन मजमा मुक्तदी और मुसल्ली की हैसियत से शरीक रहा, जिस नमाज के लिए जिब्राइल ने इकामत पढ़ी, जहां मेरे और आपके आका सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया से खिताब फरमाया, जहां मरियम का कमरा रहता था, जहां मरियम अलैहिस्सलाम के बतन मुबारक से अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के ईसा को पैदा फरमाया, ऐसी मुकद्दस सरजमीन की तबाही बर्बादी, वहाँ का खून खराबा, इन मुजरिमों को, इन अय्याशों को शराब व शबाब के अड्डों में रातें गुजारने वाले इन बेहिस अरब हुक्मरानों को, अरब के इन बादशाहों को का कोई एहसास नहीं। चुनांचे आज की, आज फलस्तीन की ये मुकद्दस सरजमीन इन बेहिस हुक्मरानों को पुकारती है और उनको झिंझोड़ती है, इनको मुतनब्बे और मुतवज्जे करती है। शायर ने क्या खूब कहा है, ये मेरी कौम के हुक्मरानों सुने, ये मेरी कौम के हुक्मरान भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। जहाँ अंबिया के सजदे होते थे, आज वहाँ मासूम और दूध पीते बच्चे ज़ख्मी पड़े हैं। जहाँ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का उरूदे बा मसूद होता था, आज वहाँ इसराइलियों के, यहूदियों के नापाक कदम पड़ रहे हैं। और उस मुकद्दस सरजमीन में जहाँ अल्लाह ताला ने खूबसूरत नहरों को जारी फरमाया, वहाँ आज मेरे बच्चों का खून बह रहा है। जिस सरजमीन में अल्लाह ने सरसब्ज़ व शादाब
باغات کو سوارا اور اس سرزمین کو سجایا، آج میرے بچوں کے منتشر اور بچھڑے ہوئے چیتڑے اور ٹکڑے اس سرزمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ جو فلسطین، جو مسجد اقصیٰ کا اطراف اور اکناف اور اس کا ماحول جنت کا نمونہ تھا، آج جہنم سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شاعر آج کے بے حس حکمرانوں کو پکارتا ہے اور فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے۔ سنو اے عیاش اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے جاہل، ظالم، بے حیا، بے غیرت اور بے شرم عرب کے حکمرانوں، سنو، ایک دور امت کا وہ تھا، ہمارا ماضی اتنا روشن تھا، عیسائیوں کے قبضے سے، انہی یہود و نصارہ کے تسلط سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درویش غلام نے، ایک فقیر غلام نے بغیر خون خرابے کے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اس امت کے امین، ان کو عمر رضی اللہ عنہ امیر بنا کر، کمانڈر بنا کر لشکر دے کر روانہ فرماتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گئے، ان کے ایمان کے دبدبے اور ان کی روحانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہود و نصارہ چھپ کر بیٹھ گئے اپنا تمام تر انتظام کر کے، وہ اپنے قلوں میں بند ہو کر رہ گئے، کوئی مسلمان کے سامنے نہیں آ سکا۔ مہینے دو مہینے گزرے، ایک قاصد آتا ہے پیغام لے کر، ہم بیت المقدس کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے، اس تاریخ کو لکھنے کے لیے تمہارے بادشاہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو آنا پڑے گا۔ وہ آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں ہم بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی چابی دینا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ہم اس کا تالا کھلوانا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ اقتدار سونپنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ پیغام بھیجتے ہیں، امیر المؤمنین تشریف لائیں، آپ کو بیت المقدس کے فتح کی وہ تاریخ لکھنی ہے، یہاں کے بڑے بڑے رؤسا، امارا اور بڑے بڑے حاکموں کے ساتھ آپ کی میٹنگ طے ہے اور آپ کو یہ تاریخی کارنامہ انجام دینا ہے۔ میرے محترم بھائیو، قربان جائیں امیر المؤمنین خلفائے راشدین کے ان قدموں پر اور ان کے جوتیوں سے اڑنے والے گرد و غبار پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑا لاؤ اور لشکر لے کر نہیں جاتے، کوئی اونٹوں کا قافلہ لے کر نہیں نکلے۔ غلام اسلم کو بلایا، ایک اونٹ ساتھ لیا اور ایک جوڑا کپڑا پہن کر سفر شروع ہوتا ہے۔
امیر المومنین غلام اسلم سے فرماتے ہیں کہ دیکھ سفر جو طے ہوگا اس کی ترتیب یہ ہوگی، ایک منزل تک تو اونٹنی پر سوار ہوگا اور میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلوں گا، اور ایک منزل تک میں اونٹنی پر بیٹھ جاؤں گا تو اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلے گا۔ اس طرح باری باری ہم سفر طے کریں گے، کبھی میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا، کبھی تو بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا۔ چلتے چلتے یہ دو افراد پر مشتمل قافلہ بیت المقدس پر قدم رکھتا ہے، غزہ کی ان مبارک وادیوں میں یہ قدم رنجہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد اقصی قریب آئی، اب باری تھی امیر المومنین کے پیدل چلنے کی اور غلام اسلم کے اونٹنی پر بیٹھنے کی۔ اسلم غلام بڑی عاجزی کے ساتھ کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ کے بڑے چرچے ہیں، آپ کا بڑا رعب ہے، یہود و نصارہ آپ کے نام سے کامتے ہیں، آج تک انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، صرف عمر کے نام سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، جسے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا، یہ چھوٹے شیطان ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا امیر المومنین، میں اپنی باری قربان کرتا ہوں، آپ سے میری گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں اونٹنی پر، مجھے شرمندہ نہ کریں، سارا عرب اور سارا بیت المقدس اور یہود و نصارہ آپ کے انتظار میں، آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اپنی ترتیب کو نہیں بدلوں گا، باری تیری ہے اونٹنی پر بیٹھنے کی اور باری میری ہے نکیل کو پکڑ کر چلنے کی۔ اسی طرح ہوگا، چنانچہ آج غلام اونٹنی کی پشت پر بیٹھا ہے، امیر المومنین ایک ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھا کر چل رہے ہیں، جن جوتوں میں کیچڑ لگ گیا تھا، کپڑے میلے کچیلے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دور سے بڑے غور سے دیکھتے ہیں، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر چل کر آتے ہیں، غلام سوار ہے، دوڑتے ہوئے آئے، امیر المومنین آپ نے یہ کیا کر دیا، یہود و نصارہ آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین و بے قرار ہیں، آپ کے نام سے بھی خوف کھاتے ہیں، آپ کی آمد سے ان پر لرزہ طاری ہے۔ امیر المومنین آپ تشریف رکھیں، آپ سوار ہو جائیں، آپ نے غلام کو اونٹنی پر بٹھا دیا، اور امیر المومنین آپ کے یہ کپڑے کیسے، ہر جگہ پیوند لگے ہیں، آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، اور یہود و نصارہ کے بڑے بڑے رؤسا سے، بڑے بڑے منسٹروں کے ساتھ آپ کی میٹنگ طے ہے، آپ ان سے معاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین میری گزارش ہے، کم سے کم آپ اپنے کپڑے تو بدل لیں، تبدیل فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے سنتے گئے اور چہرے کی حالت بدلتی گئی۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ابو عبیدہ، کب سے تیری آنکھ ظاہری شان و شوکت پر چلی گئی، کب سے تو اچھے کپڑوں اور کھانوں کو تو دیکھنے لگا، انا کنا اضل قوم فاعزنا اللہ بهذا الاسلام فمهما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ۔ اے ابو عبیدہ، ہم ذلیل قوم تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے،
बेटियों को जिंदा दफन करते थे, लूट मार खून खराबा कत्ल व गारतगिरी करते थे, सौतेली माँ के साथ निकाह और जिना करना हमारा महबूब मशगला था। एक शराब की बोतल के लिए इंसानी जान को ले लेना, इंसान का कत्ल कर देना, ये हमारा शौक था। हम जलील कौम थे, गिरे हुए लोग थे, लेकिन अल्लाह ने एहसान फरमाया, उसने अपनी कुदरत से ऐसे नबी को भेजा, उनको ऐसा कलाम देकर भेजा। उस नबी के सदक़े में, उस कलाम की बरकत से अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसा मज़हब और दीन अता फरमाया। इस्लाम से, कुरान से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें इज्जत मिली है। आज हम इस्लाम को, दीन को, कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर दूसरी चीज़ों में इज्जत को तलाश करेंगे तो अबू उबैदा गौर से सुन ले, अल्लाह हमें जलील कर देगा। इस्लाम से हमें इज्जत मिली है, कपड़ों से नहीं। भूखा और प्यासा रहकर मेरे आका ने इज्जत की जिंदगी गुजारी है, पेट भर कर नहीं। इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा और इसी लिबास में मैं यहूद और नसारा के रुअसा से मिलूंगा और इन्हीं कपड़ों में मैं बैतुल मुकद्दस का इफ्तिताह करूंगा। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ ले गए। मेरे नौजवान भाइयों, गौर करना, जैसे ही पहुंचे हैं यहूद और नसारा के बड़े बड़े उलमा अपने नुस्खे, अपनी किताबें लेकर आ गए। कोई तौरात लेकर आया है, किसी के हाथों में इंजील है। ये उलमा कभी किताब के अंदर नज़र दौड़ाते हैं, उमर के कपड़ों को देखते हैं। कोई तौरात पढ़ता है, उमर के कपड़ों को देखता है। कोई इंजील पढ़ता है, उमर के कपड़ों को देखता है। पूछने लगे, क्या तुम ही उमर हो? कहने लगे, हाँ, क्या शक है, मैं ही अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल का गुलाम उमर इब्नुल खत्ताब हूँ। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम और मुसलमानों का खादिम हूँ, तुम्हें क्या शक है मेरे उमर होने में? उन उलमा ने कहा कि हम तस्लीम नहीं करते कि तुम उमर हो, हम नहीं मानते कि तुम उमर हो। कहने लगे, क्यों, क्या बात है, मैं ही उमर हूँ। कहने लगे, हमारी किताबों में इसका तज़किरा है, ये जिक्र मौजूद है, तौरात और इंजील में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम होगा, उसकी ज़ाहिरी हालत ऐसी होगी, उसकी शान व शौकत आसमानों पर, उसकी इज्जत का वो आलम होगा, ज़मीन पर बैठकर वो जो फैसला करेगा अल्लाह उसके फैसले और उसकी राय को कुरान बनाकर उतार देगा। हमने किताबों के अंदर पढ़ा है कि वो ऐसा जरी, बहादुर, सजी इंसान होगा कि शैतान भी उसका, उसे देखकर रास्ता बदल लेगा। हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब वो बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए और उसकी कामयाबी की तारीख और दास्तान लिखने के लिए, मुआहदा लिखने के लिए, मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस का इफ्तिताह करने के लिए आएगा तो उसके कपड़े ऐसे होंगे, उसके लिबास पर 14 पैवंद लगे होंगे, 14 पैवंद लगे होंगे। हम अपनी किताब को पढ़ते हैं, तुम्हारे कपड़ों को, लिबास को तलाश करते हैं तो इन कपड़ों के अंदर सिर्फ 12 पैवंद हैं। हम नहीं मानते कि तुम उमर हो। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि उसके कपड़ों पर 14 पैवंद होंगे, यहाँ हमें सिर्फ 12 पैवंद मिले हैं। अमीरुल मोमिनीन ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को उठाया,
इधर एक पैवन था उधर एक पैवन था। अल्लाह की कसम यहूद और नसारा के बड़े बड़े उलमा अपनी किताबों को रख कर उनके कदमों में पढ़ कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जिनके कपड़ों को देख कर यहूदियों ने कलीमा पढ़ा, जिनकी गुर्बत को देखकर, जिनकी फकीराना जिंदगी को देखकर यहूदी मरऊब होते थे, थू है आज के इस्लामी मुमालिक के और अरब उन हुक्मरानों पर जिनको आज फाहिशा औरतों के साथ रातें दिन गुजारते हुए वक्त और फुर्सत नहीं मिलती। थू है इन अरब हुक्मरानों पर, अफसोस है इन पर जितना भी थूका जाए कम है। ये इतने बेगीरत हैं, ये हरमैन शरीफैन के पड़ोस में मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के अतराफ और अकनाफ में शराब और शबाब के अड्डे तामीर करने में लगे हैं। ये जिद्दा की सरजमीन को सवारने में लगे हैं। ये मदीनतुल मुनव्वरा में सिनेमा हॉल की तैयारियों में और उसकी इफ्तिताह में लगे हैं। इन जालिम हुक्मरानों को, इन बेगीरतों को कोई एहसास नहीं। ये लोग वहाँ पब और बड़े बड़े जुए के अड्डे तामीर करने में लगे हैं। इन जाहिलों को उन बच्चों के मजलूमाना शहादत का कोई एहसास नहीं है। वहाँ हमारी माँ और बहनों की लुटती इज्जतों और इस्मतों का कोई इनको एहसास नहीं है। एक वो उमर था जिसने खून का एक कतरा बहाए बगैर मस्जिद अक्सा को उन्होंने आज़ाद करा लिया और बिलाल हबशी को खड़ा कर उन्होंने मस्जिद अक्सा पर अजान पढ़वाई। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के अरब हुक्मरानों पर जितना भी अफसोस किया जाए कम है। बस चंद अखबारी बयानात, चंद हिमायत के चंद वो बोल जो किसी तरह उसके अंदर दम नहीं, ताकत नहीं। ये मगरबी ताकतों से इतने मरऊब हैं, ये अमेरिका और इसराइल के इतने तलवे चाट हैं कि अफसोस होता है। ये कैसे अरब हैं, ये वही सरजमीन पर आज रहने लगे हैं जहां पर हजरत सहाबा किराम की उनके मुकद्दस नफूस, उनके कदम मुबारक पड़े थे। आज इनका ज़मीर मर गया, आज इनकी हिस ख़त्म हो गई, इनके अंदर से गीरत निकल गई। मज़लूम बच्चों की चीखों पुकार ना इनको दिखाई देती है ना इनको सुनाई देती है। गर्ज ये तो उनकी बेहयाई, बेगीरती और बेशर्मी की इंतहा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आज फलस्तीन का हर बच्चा तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तुमने आवाज़ नहीं दी। आज फलस्तीन और गज़ा की हर औरत उम्मीद से तुम्हारी तरफ देखती रही, लेकिन तुम जालिम उनकी मदद के लिए नहीं आए। आज फलस्तीन का हर नौजवान इस्लामी मुमालिक की तरफ उम्मीद की निगाहें उठाकर देखता रहा, कोई तो हमारी मदद के लिए आएंगे, कोई तो हमारा साथ देंगे, कोई तो हमारे भूखे मर रहे नौजवानों के लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे, कोई तो हमारे मासूम खाक व खून में तड़पते हुए मासूम बच्चों को दूध का इंतज़ाम करेंगे। लेकिन आज बेहिस इस्लामी मुमालिक पर, इन बेगीरतों पर बहुत अफसोस है। इंतज़ार करना पड़ेगा इन मुमालिक को, आज नहीं तो कल ये जालिम के पंजे, इनके कदम तुम्हारे घरों तक पहुँचेंगे। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा जब तुम्हारी औरतों के ये दुपट्टे उतारेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि फलस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हुआ है। इंतज़ार करो ए अय्यारो, मक्कारो, बेगीरत हुक्मरानों, अय्याश हुक्मरानों, जब जालिमों के कदम, उनके पंजे
तुम्हारे मासूम बच्चों की गर्दनों पर और उनके बदन पर पड़ेंगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि फ़लस्तीन में उन मज़लूम बच्चों की क्या हालत थी, क्या क़यामत उन पर गुजरी, इंतज़ार करना, ये जुल्म लौट कर तुम्हारे घरों तक आएगा, तुम्हारी इज्जतों को तार तार करेगा, तुम्हें गफलत की नींद से इसराइल के यहूदी और मगरबी ताकत के वो जालिम जूते मार मार कर उठाएंगे, तुम्हारे ये कीमती शाये तुम्हारे बदनों से उतारेंगे, ये तुम्हारे कीमती तोप और तुम्हारे कीमती रुमाल तुम्हारे सरों से उतार कर तुम्हारे सरों पर जूते रखे जाएंगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस नींद में सोए हुए थे, किस गफलत में तुम पड़े हुए थे, ये अल्लाह का कानून है जो जालिमों के जुल्म को देखकर मजलूमों की मदद नहीं करता, जालिम के हाथ नहीं रोकता। एक ना एक दिन ये जुल्म की आग उसके घरों तक अल्लाह पहुंचा कर रहेगा। गर्ज काफी उम्मीदों और इंतजार के बाद जब ये जालिम और कोई इस्लामी मुल्क इनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा तो शायर कहता है, फलस्तीन के लोगों की तर्जुमानी करता है, तुमने तो हमारा साथ नहीं दिया, चलो ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमा शहादत का ही गाएंगे। अब हंसने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, हंसने का कोई मौका ही नहीं है। आज उन बच्चों के मुकद्दर में सिर्फ आंसू ही आंसू हैं, खून ही खून देखना आज उनके दिन रात का मुकद्दर बन चुका है। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुकद्दस बचाने के लिए, अपना बैतुल मुकद्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। अरे जालिम मुसलमानों, तुमने तो हमारा साथ नहीं दिया, चल हम अपने बच्चों को शहादत के लिए पेश करते। देखिए उन वीडियो के मनाजिर को, एक नौजवान चेहरे पर निकाब बांधकर किसी मीडिया वाले से बात कर रहा है। माँ आती है, बेटे से कहती है कि बेटा निकाब निकाल, दिखा जालिमों को अपना चेहरा, ताकि मैं भी फख्र करूं कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। बेटा जालिम की आंख में आंख डालकर बात कर, तुझे चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं, आज ही के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया है, तुझे जवान बनाया है। हजरत सहाबियात के दौर को उन्होंने उनकी यादों को ताजा कर दिया। अस्पताल में 3 दिन पहले जब इसराइल का हमला हुआ है, जहां हजारों की तादाद में जख्मी लोग बीमार लोग शहीद हुए हैं, एक 11-12 साल का बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, 14 साल का उसका अपना भाई आकर, उसका चेहरा भी खून से लथपथ है, आकर उस मरने वाले 11 साल के बच्चे के कान में वो बच्चा कलिमा पढ़ाता है कि मेरे भाई तेरी मेरी जुदाई का आखिरी वक्त है, अब तू जा रहा है, कलिमा पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो बच्चा उस मरने वाले भाई को कलिमा पढ़ा रहा है। देखिए उन खौफनाक मनाजिर को, शायद कुछ एहसास हो कि दूध पीते बच्चे तो दरकिनार। इस हमले में एक हामिला औरत थी अस्पताल में, उसके पेट में 4 माह या 5 माह का बच्चा था, अभी उसका जिस्म पूरा मुकम्मल भी नहीं बना। एक नौजवान गालिबन उसका बाप है, उस लोथड़े को उठाकर दिखा रहा है, माँ के तो टुकड़े हो ही गए लेकिन ये बच्चा भी शहीद हो गया है। दुनिया में आने से पहले ही उसकी आंख को जालिमों ने बंद कर दिया। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लामी मुमालिक सो गए,
बेहिस अरब हुक्मरान गफलत में पड़े हैं, ये तो उनका काम था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। चलो अवामी सतह पर, आम सतह पर, आम रास्तों में हम खड़े होकर, हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमारे ऊपर भी कुछ पाबंदी आती है। कम से कम उनके लिए तुम खाने का इंतज़ाम नहीं कर सके, उनकी मदद के लिए नहीं जा सके, कम से कम तुम इनफरादी, अपनी इनफरादी इज्तिमाई दुआओं में तो उनको याद कर सकते हो, उनके लिए दुआएं तो कर सकते हो, उनके लिए आयत करीमा की मजलिस तो तुम मुनाकिद कर सकते हो, उनके लिए तुम तहज्जुद के सजदों में उनकी हिफाजत के लिए, हिमायत के लिए, नुसरत के लिए दुआएं तो कर सकते हो। एक अवामी सतह पर रहते हुए आज हमारे लिए बस इतना ही बाकी रह गया, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल करो। हम तलवार लेकर या असलहा लेकर हम वहाँ जाकर उनसे जिहाद तो नहीं कर सकते, अल्लाह ने दुआ के तौर पर एक हथियार हमारे हाथों में दिया है। सिर्फ जुमा के मौके पर नहीं, आपकी हर नमाज फलस्तीन के मुसलमानों की दुआओं के साथ गुजरे। आज से ये अज़्म लेकर जाएं और अपने घर की मस्तूरात को भी समझाएं, तुम्हारी कोई दुआ फलस्तीन के उन मजलूम मुसलमानों के हक में किए बगैर ना गुजरे, तुम्हारा कोई सजदा उनको याद किए बगैर ना गुजरे। और दूसरी गुजारिश आपसे मैं ये करना चाहूँगा, जितने इसराइल के प्रोडक्ट हैं, जितने भी वहाँ के मसनूआत हैं, जितने भी वहाँ के चीज़ें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हों, बिलखसूस वो कोल्ड ड्रिंक्स जो जिसके बग़ैर हमारा कोई खाना नहीं गुज़रता, कोई दिन नहीं गुज़रता, चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक्स है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और बहुत सारी जो इसराइल का प्रोडक्ट है और इसराइल की मसनूआत हैं, आज ये अज़्म लेकर जाएं कि इंशाअल्लाह अगर हमारे दुकानों में ये चीज़ें हैं तो हम इसे उठाकर फेंक देंगे, कुत्तों को डाल देंगे, नाले में हम फेंक देंगे, हम इसका सौदा नहीं करेंगे, इसकी तिजारत नहीं करेंगे, आज के बाद से उसकी कोई चीज़ ना ख़रीदेंगे ना बेचेंगे। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं ताकि क़ियामत के दिन उन मजलूमों के बच्चों की पकड़ से हम बच जाएं। अल्लाह के दरबार में ये हुज्जत करेंगे, शिकायत करेंगे, इससे पहले कि वह इसराइल के यहूदियों और जालिमों की शिकायत करें, सबसे पहले वह तड़पते मुसलमान अरब हुक्मरानों की शिकायत करेंगे, इस्लामी मुमालिक की शिकायत करेंगे, उम्मते मुहम्मदिया की शिकायत करेंगे। अल्लाह ये उसी नबी की उम्मत है, ये वही जालिम है, ये उसी नबी का कलिमा पढ़ते थे जो चूंटी को भी जलाना पसंद नहीं करता था, हमारा खून बहता रहा, ये खामोश रहे, ये अपने ख्वाबे गफलत में मस्त पड़े रहे। कम से कम दुआओं के लिए तो वक्त निकालें, कम से कम इनके लिए दुआ तो करें। आपकी मसरूफियात पैदा होने से लेकर जनाजे तक रहेंगे। आज सुबह एक साहब से मैं कह रहा था, अब भी वो इस मजमे में बैठे हैं, मैंने दो दिन पहले मदरसे में आयत करीमा का एहतमाम किया, कुछ अहबाब यहाँ बैठे हैं, मासूम बच्चों से दुआएं करवाई, हमने कई लोगों को बुलाया, लेकिन उन्होंने मसरूफियात का बहाना, नहीं तकाजे हैं, तकाजे हैं, मसरूफियत है। आज सुबह मैंने उनसे कहा, कम से कम आप इतना तो कर सकते थे उन मासूम बच्चों की दुआया मजलिस में शामिल हो जाती, इतना भी नहीं कर सकते, कहाँ तक तुम्हारी मसरूफियात होंगी, कहाँ तक तुम्हारे तकाजे होंगे, वो दिन क्या करोगे जिस दिन आकर इज़राइल खड़ा हो जाएगा, उस दिन कौन सा बहाना करोगे, कौन से तकाजे पेश करोगे, कौन सी मसरूफियत का बहाना बनाओगे।
छोड़ो घरों को इससे पहले के घर तुमसे छुड़ाया जाए, निकलो अपने घरों से इससे पहले के तुम्हारे जनाजे को निकाला जाए। कम से कम इनके लिए दुआओं का एहतमाम करें, सदक़े खैरात का एहतमाम करें, इसराइल की चीज़ों का बायकॉट करें, दुआ करें उन मजलूमों के साथ साथ। इस्लामी ममालिक जो 56 और 57 ममालिक हैं, 57 कमोपेश ममालिक हैं इस्लामी ममालिक होने का, जिनको सिर्फ दावा है लेकिन काम इनके यहूदियों से बढ़कर हैं। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, इन्होंने इस्लामी मुल्क अपना नाम रखा है, इनके काम तो शैतान से भी गए गुजरे हैं। इनके काम ऐसे हैं कि यहूदी भी इनको देखकर शर्मा जाते हैं, आज की ईसाइत भी इन पर शर्मिंदा हो जाती है, आज का शैतान भी इन अरब हुक्मरानों के करतूतों से, इनके कामों से, इनकी अय्याशियों से, इनके ऐशो इशरत कदों से आज शैतान भी शर्मिंदा है। दुआ कीजिए गफलत में पड़े हुए, ख्वाबे गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे इन जालिम और बेहया और बेहिस हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत नसीब करे। कम से कम ये जालिमों का साथ तो देना छोड़ दे। दर पर्दा हर अरब हुक्मरान आज इसराइल से मिला है, आज अमेरिका के तलवे चाटता है। क़ियामत के दिन अल्लाह इन सब को, फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब की सफ में खड़ा करेगा। अल्लाह इनके कपड़े उतारेगा, निकालो तुम्हारे कीमती मसले, उतारो तुम्हारे सफ़ेद और कीमती रुमाल, इस लिबास को पहनने के तुम काबिल नहीं हो, तुम तो नंगे पन को पसंद करते थे, तुमने नंगे अड्डे बसाए, तुम्हारे कोई हक नहीं है कि तुम इस्लामी लिबास पहनकर इस्लामी मुल्क पर हुकूमत करो। अल्लाह इनको हिदायत नसीब करे, अगर इनके हक में हिदायत नहीं है तो इसराइलियों के साथ साथ अल्लाह इनको भी हलाक व बर्बाद फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीलात आइंदा जुमा में आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूँगा। इससे पहले एक आजिज़ाना गुजारिश है, देखो आज बैतुल मुकद्दस को बचाने के लिए बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें अपने खानदानों को लुटा रहे हैं। आप देखें कितने नौजवान अपने घर के ढेर पर, मलबे पर बैठकर कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। अल्लदीना इज़ा असाबत हुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुर्बान जाएं उन नौजवानों के पैरों पर जो अपने मुनहदिम घर के अतराफ और अकनाफ फिरते हुए मुस्कुराते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, नारे तकबीर बुलंद करते हैं। एक नौजवान को किसी ने सवाल किया, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, मुस्कुराते हुए उसने अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह का कलाम सच्चा है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, हमें कोई फिक्र नहीं है। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, 3 दिन पहले एक शहीद को दफनाया गया, उसकी कब्र को खोदा गया, जन्नत की खुशबू उसकी कब्र से आ रही है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है ये नौजवान शहीद होकर मस्जिद अक्सा के अतराफ और अकनाफ से, वहाँ के माहौल से निकलकर इंशाअल्लाह सीधे जन्नतुल फिरदौस में ये पहुँचेंगे। आज जालिमों ने इनका खाना पीना बंद कर दिया, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये शुहदा, हमास के ये मुजाहिदीन अपने वतन अपने घर के लिए, अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए लड़ने वाले, अपनी जान को कुर्बान करने वाले सैयदुश्शुहदा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जाकर मिलेंगे, हज़रत सुमैया के साथ जाकर ये मिलेंगे। हमें यकीन है आज हर दिन फ़लस्तीन की सरजमीन पर करबला से गुजरने वाले ये बच्चे इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ जन्नतुल फिरदौस के दस्तरखान पर जाकर बैठेंगे। अल्लाह करे हमारी दुआएं कबूल हों। बहरहाल मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। आज आपके सामने आपके पड़ोस में एक मोहल्ला है कोड़ी चिकनहली, वहाँ पर एक मस्जिद का तामीरी काम चल रहा है, इशातुल इस्लाम उस मस्जिद का नाम है। 25 लाख रुपये का काम बाकी है, बहुत सारा काम अभी
बाकी है, आखिरी मरहले में काम चल रहा है। वहाँ के जिम्मेदार अहबाब बड़ी उम्मीदें लेकर, तमन्नाएं लेकर और अल्लाह के पास आपसे उम्मीद लगाकर वो हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मस्जिद का बहुत सारा काम बाकी है, जो काम हुआ है उसके लिए कर्ज़ हसना लिया गया, लिहाजा अल्लाह के घर के तकाजे का ऐलान आपके सामने है। ये नियत करके इसमें हिस्सा लेते जाएं, अल्लाह तेरे इस घर की तामीर और इसकी तरक्की के लिए ये रकम देता हूँ, अल्लाह ये रकम मेरी इसकी बरकत से फ़लस्तीन के उन मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, वहाँ के शुहदा की मग़फ़िरत फरमा। ये नियत करते हुए हर बंदा अपनी इस्तेदात के मुताबिक इस तामीरी काम में हिस्सा लेकर जाए। वहाँ के ज़िम्मेदार अहबाब आए हैं, तमाम तर तफसीलात आपको वो बताएंगे जो अशिया की शक्ल में उस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेना चाहता है। वहाँ के ज़िम्मेदार अहबाब से मुलाकात कर लें। मेरी मिन्नत है, गुजारिश है, अल्लाह के घर का तकाजा है, याद रखना अल्लाह के घर की हिफाजत करोगे, अल्लाह के घर की मदद करोगे, अल्लाह कभी तुमको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत करेगा। जाते हुए कोई खाली हाथ ना जाएं, हर एक इसमें अपनी इस्तेआत के मुताबिक हिस्सा लेते हुए जाए। अल्लाह ताला आपकी दुनिया को भी आबाद करे, आपकी आखिरत को भी आबाद करे। व आखिर दावाना अनिल हमदुल्ला रबीआलमी।